हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताती हूँ कि आपको किन लोगों को नमस्कार नहीं करना चाहिए। वैसे तो दोस्तों, किसी को नमस्कार करना हमारे आचरण को दर्शाता है, हमारी सभ्यता को दर्शाता है। हमें अक्सर सभी यही सिखाते हैं कि हमें अपने बड़े बुज़ुर्गों को नमस्कार करना चाहिए, अपने जानने वालों को नमस्कार करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी मान्यताएं हैं, कुछ ऐसी भी परंपराएं हैं जिन्हें हमें अवश्य मानना चाहिए। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिन परिस्थितियों में हमें कुछ लोगों को नमस्कार नहीं करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कैसे लोगों को नमस्कार करना वर्जित माना गया है, कैसे लोगों को हमें नमस्कार नहीं करना चाहिए। कोई भी अगर अहंकारी व्यक्ति है तो उसे नमस्कार ना करें। अगर किसी अहंकारी व्यक्ति को आप नमस्कार कर रहे हैं तो इससे आपका अपना अपमान हो रहा है, वो आपको अपमानित कर रहा है, वो आपके नमस्कार का रिप्लाई नहीं करेगा, वो आपको कोई भी जवाब नहीं देगा। जो लोग खुद को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरों को खुद से नीचा समझते हैं, ऐसे लोगों को कभी भी नमस्कार ना करें, क्योंकि वो आपसे कभी भी खुश नहीं होगा, वो आपका अपमान ही करेगा। जो व्यक्ति अपवित्र हो उसे नमस्कार ना करें। अगर कोई व्यक्ति अंतिम संस्कार में आता जाता हुआ दिखाई दे या किसी अन्य वजह से अपवित्रता की स्थिति में हो तो ऐसी स्थिति में नमस्कार करना उचित नहीं माना गया है। नहाते हुए किसी भी व्यक्ति को नमस्कार नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नहा रहा हो तो उसे नमस्कार ना करें। ऐसा करने से नहाने वाले व्यक्ति और जो व्यक्ति नमस्कार कर रहा है दोनों ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं और वो असहजता की स्थिति में आ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति दौड़ रहा हो, वो रनिंग कर रहा हो तो आप उसे नमस्कार ना करें। अगर दौड़ते हुए व्यक्ति को आप नमस्कार करेंगे तो उसकी एकाग्रता और लय बिगड़ जाएगी, इस कारण से उस व्यक्ति को ठोकर लग सकती है, उसे चोट लग सकती है। मूर्ख व्यक्ति को कभी भी नमस्कार ना करें। जिन लोगों को व्यवहार की, आचरण की समझ ही ना हो, जो लोग मूर्ख हैं उन्हें नमस्कार करना व्यर्थ कहलाता है। वो लोग कभी भी आपकी भावनाओं को नहीं समझेंगे, वो आपके नमस्कार करने को कभी भी समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए आप ऐसे व्यक्ति को नमस्कार बिल्कुल भी ना करें। अगर कोई व्यक्ति हमसे दूर हो, हम उसे देख पा रहे हो और वो हमें ना देख पा रहा हो तो उस कंडीशन में आपको नमस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति आपके नमस्कार करने का उचित आंसर नहीं दे पाएगा। तो ये थे वो व्यक्ति जिन्हें आपको नमस्कार नहीं करना चाहिए, जिन्हें नमस्कार करना वर्जित माना गया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल सके। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक हमारी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ पहुँच सकें। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे अवश्य पूछिए। धन्यवाद।